अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल साली में स्वागत है आपका। दोस्तों, सोनाली मुर्गी के 2 हफ्ता पूरा हो गया है, अभी दूसरा वैक्सीन देने का टाइम आ गया है। दोस्तों, आज मैं दिखाऊंगा कि 2 नंबर वाला वैक्सीन कैसे देता है। दोस्तों, मुर्गी के बच्चे भी बड़े हो गए, देखिए सूजों को, देखिए पहले से काफ़ी बड़ा हो गया, वजन भी बढ़ गया है। दोस्तों, ये ले ये लोग खेल रहा है, ये देख सकते हैं। दोस्तों, वैक्सीन को बर्फ़ में रखना पड़ता है, देखिए फ्रिज में रखा था, ज़्यादा बर्फ़ हो गया है, अब बर्फ़ के अंदर ही वैक्सीन घुस गया है। दोस्तों, इसे मैंने थोड़ा ठंडा गर्म होने के लिए दिया है, यहाँ बर्फ़ को घोलने के लिए। दोस्तों, थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ से फिर वैक्सीन मैं निकल कर आपको दिखाऊँगा कैसे वैक्सीन दिया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखना। तो बर्फ़ को घोलने के लिए ना मैंने पानी में बर्फ़ को ऐसे दिया हूँ ताकि जल्दी से ये गल सके और वैक्सीन अंदर से मैं ले सकूं। दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी सारा गल गया है, अभी और गलने पर ये निकल आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ बर्फ़ से मैंने निकाला है, ये दो वैक्सीन आप लोगों को एक साथ मिलाना है। दोस्तों, इसके अंदर एक टैबलेट है और ये पानी जैसा आपको दिख रहा है। दोस्तों, आपको क्या करना है, ये दोनों एक साथ मिलाना होगा। दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, एक सीरीज को आपको लेना है, फिर आपको क्या करना है, इससे आपको जितना मेडिसिन है आपको यहाँ सीरीज से इसके अंदर लेना है। दोस्तों, देख सकते हैं ये देख सकते हैं सारे मेडिसिन आ गया, फिर इसमें टैबलेट है एक, दोस्तों देख सकते हैं इसमें एक टैबलेट है, इसके अंदर आपको घुसाना है ऐसे, ये देख सकते हैं जा रहा है। देखिए सारा मेडिसिन चला गया है, अभी ये दोनों ऐसे आपको मिल जाएगा। दोस्तों, ये दोनों मिलाकर आप 100 मुर्गी के बच्चे को वैक्सीन दे सकते हैं। बच्चे के आँखों में कैसे वैक्सीन देता है ये मैं दिखाऊंगा। ये देखिए आपको सिर्फ आँखों पर ऐसे एक बूंद वैक्सीन देना है, देखिए हो गया।